ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वाह जिंदगी। हम बात कर रहे थे एलिट संस्थान के संस्थापक अमरदेव झा जी से। आप अपने छात्रों को कैसे मोटिवेट करते हैं? मैं करियर काउंसलर भी हूँ जी। मैं तीन तरह के काउंसलिंग प्रोग्राम चलाता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, एनर्जी मैनेजमेंट, रूटीन मैनेजमेंट, एग्जाम स्ट्रेस मैनेजमेंट। बच्चे दिन भर पढ़ाई करते हैं, शाम में पढ़ने बैठते हैं, रिवीजन करने बैठते हैं घर में। उनकी शिकायत रहती है कि सर हम जब पढ़ने बैठते हैं तो दिन भर की सारी घटनाएं याद आने लगती हैं, सर कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है पढ़ने में। सर बिल्कुल सर, याद भी करते हैं भूल जाते हैं, क्या इसका उपाय है? और बहुत सारे बच्चों के मन में घर कर जाता है। अगर वो सोचते भी हैं कि हमें IIT-JEE क्रैक करना है या हमें PMT क्रैक करना है, तो उनके अंतर से आवाज़ आती है कि नहीं, शायद हम नहीं कर पाएंगे। ये कुंठा और ये जो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स है, ये उनके अंदर इसलिए पनपा होता है क्योंकि बचपन से या तो उनके गार्जियन या उनके टीचर्स या उनके कोई क्लोज, जिसका कि गहरा इम्पैक्ट उन पर पड़ा रहता है, जो उनको कभी डिप्रेस किए हैं, इस कारण से उनके अंदर से वो जब आवाज़ निकलनी होती है कि मुझे कुछ करना है, तो डरते हैं अपने आप से कि शायद हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम इस लायक नहीं हैं। तो इसलिए एनर्जी मैनेजमेंट जरूरी है बच्चों का, और मैं उसमें बहुत कुछ विशेष करवाता हूँ जो बच्चे लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। रूटीन मैनेजमेंट के साथ बात क्या है कि 24 आवर्स को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे हम अपने स्टडी को टाइम दें, कैसे हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए टाइम दें, कैसे हम पॉजिटिव वे में काम करें। और एग्ज़ाम के टाइम में हम लोग सुनते हैं, न्यूज़पेपर में देखने को भी मिलता है, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम के टाइम में डरते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुंचते हैं नर्वसनेस आ जाता है, भूल जाते हैं, एक आम शिकायत है बच्चों की। तो इसके लिए हम एग्ज़ाम स्ट्रेस मैनेजमेंट करवाते हैं बच्चों का, कि उनके अंदर की जो ऊर्जा है, उनके अंदर जो शक्ति है, उसका सही मार्गदर्शन हो, सही रूप में वो आगे बढ़ें और चलते रहें। सुभागा नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छे। आपके संस्थान से जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकलते हैं, उसे देख के आप कैसा महसूस करते हैं? लगता है कि कुछ जो सोचा उसकी ओर बढ़ रहा हूँ जी। बच्चों से ऊर्जा मिलती है। तू धार है नदिया का, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। सारा जीवन काल चक्र है, आना जाना यहाँ खेल है, अपने उज्जवल लक्ष्य को देख, रहा पुकार न कर अनदेख, आशाओं के दीप जलाकर कर्म करो, बस यही धर्म है। आशाओं के दीप जलाकर कर्म करो, बस यही धर्म। गौतम साहब, आप अपने शिक्षण संस्थान में छात्र का जो चयन करते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे करते हैं चयन? एलीट इंस्टीट्यूट में बच्चों के एडमिशन को लेकर के एक एडमिशन टेस्ट होता है। इस एडमिशन टेस्ट में स्कॉलरशिप टेस्ट इंक्लूड रहता है। जिन बच्चों का अच्छा परसेंटेज रहता है हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में, उन सभी बच्चों को फीस में डिस्काउंट होता है। और इसके साथ हमारे जितने सारे स्टूडेंट जो टेंथ में अच्छा रिजल्ट करके आते हैं, उनके टेंथ के मार्कशीट के आधार पर भी उन्हें हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, जिससे कि बच्चों का मनोबल बढ़े, जिससे कि उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हो, जिससे कि उन्हें और भी आगे बढ़ने में प्रेरणा मिले। अपने स्टूडेंट्स का छोटे छोटे उपलब्धियों पर उन्हीं पीठ थपथपाएं तो एक संभावना बनती है कि वो एक दिन बहुत बड़ा अच्छा काम भी कर पाएंगे। इसीलिए उनके पीठ थपथपाने से उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, तो ये पीठ थपथपाना जारी रखना चाहिए। इसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट करते हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और भी करेंगे सवाल गौतम सर से।